नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। अगर आप स्पेशली ऑप्शन बायर्स है तो आपके लिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा प्रॉफिट देख लिया, और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में जो भी हाथ में पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो इस वीडियो में मैं उस सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आज को स्कैल्पिंग जो करता है, जो स्कैल्पर है, उसके लिए ज्यादा बेसिकली है। देखिए मैं 3 मिनट का एक चार्ट लगाया हूँ, 3 मिनट का स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा फुल डे का परफॉर्मेंस, और दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट आप यहाँ पर गेन किए और लॉस भी हुआ तो कितना हुआ। यहाँ पर पहले मैं एक दो पॉइंट बता देना चाहता हूँ। ये जो एरो आपको दिख रहा है ये सिग्नल होता है, ये जो व्हाइट कलर का एरो ये आपका बाय का कॉल है, यहाँ पर जो येलो कलर का एरो है ये आपका सेल का कॉल है, ठीक है, ये सब सिग्नल होता है। यहाँ पर मेन जो फंक्शन है वो कैंडल का जो कलर है उसका फंक्शन है। देखिए यहाँ पर 3 टाइप ऑफ कैंडल कलर दिखाई देगा, जिसमें से ग्रीन कैंडल का मतलब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, रेड स्ट्रॉन्ग बियरिश होता है, एंड ये जो व्हाइट कैंडल आ रहा है ये सिग्निफिकेंट मार्क है। व्हाइट का मतलब ही है दिस इज द कंसोलिडेशन फेज, जहां पर हम लोग जनरली फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिख के आ जाएगा कंसोलिडेशन। देखिए ट्रेडिंग करने का टाइम हम लोग का दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत टेंशन रहता है, तो हम लोग उतना ध्यान नहीं रख पाते। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर में ये चीज को हम लोग इतना इजी बना दिए हैं ताकि कोई भी बंदा जो लाइव मार्केट में कितना भी टेंशन में ट्रेड क्यों ना करे, उनको विजिबल हो जाता है जो अभी आपका पोजीशन क्या चल रहा है। तो देखिए मैं सबसे पहले यहां से समझाता हूँ, ये एक बाय का कॉल बना है, ये सुबह का फर्स्ट कॉल है। आपको जो 3 चीज देखना है, जो कैंडल का कलर क्या है, कैंडल का कलर ग्रीन है मतलब ये एक अप ट्रेंड है। देखिए यहाँ पर जो फेज आपको लिख रहा है ये अप में दिखा रहा है, नीचे का जो रिबोन है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, और ये जो ब्रिक्स है इसका कलर ग्रीन होगा और ये ब्राउन का ऊपर रहेगा। ये 3 बेसिक कंडीशन आपको मैच करना है, अगर ये 3 कंडीशन मैच है तभी जाके कॉल को हम लोग स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो मैं कंडीशन को और एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिग्नल बनेगा ग्रीन कैंडल का साथ, नीचे का रिबोन ग्रीन होगा और ब्रिक्स का कलर ग्रीन होगा। अब आपको ट्रेड कब करना है, ट्रेड हमेशा करना चाहिए जिस कैंडल पे कॉल बना है उसका हाई तोड़ने का बाद। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं इस कैंडल का अगर हाई क्या है, इसका हाई लगभग 338.15 है, तो 338.15 का ऊपर मुझे बाइंग ऑर्डर डालना है। तो चलिए अभी देखते हैं, 338.15 को टच कर चुका है, इसका मतलब है आपका बाइंग ऑर्डर लग चुका है। अब जैसे देखिए धीरे धीरे मार्केट इतना ऊपर चला गया, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक माइंडसेट रहता है जो बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 40 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, बट हमेशा 40 पॉइंट लेके निकलना है, ऐसा नहीं कभी कभार मार्केट 100-150 पॉइंट का मूवमेंट देखे जाता है। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जिट। देखिए जब तक कैंडल का कलर ग्रीन है आपका पोजिशन सेफ है, आपको टेंशन लेने का कुछ है नहीं। जैसे देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा कैंडल का कलर व्हाइट हुआ है, तो ये जो व्हाइट कैंडल है ये सिग्निफिकेंट मार्क है। आप देख सकते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू है 456, आप यहां पर एंट्री लिए थे 338 का आसपास, तो यहां पर आप 100 पॉइंट का ऊपर अच्छा खासा बेनिफिट ला लिए एज पर स्कैल्पिंग बेसिस। तो ये स्कैल्पिंग टेक्निक है, आप यहां पर एंट्री ले रहे हैं और आपको व्हाइट कैंडल एक मार्किंग कर रहा है जो यहां पर आपका पोजिशन को छोड़ना है। उसका साथ साथ आप नीचे का ब्रिक्स को भी देख सकते हैं, ये भी लगभग ब्राउन को तोड़ने जा रहा है, तो ये भी एक संकेत सेलिंग करने का है। तो अल्टीमेटली के धीरे धीरे मार्केट रिवर्स हो गया एंड फाइनली यहां पर सेल का कॉल बन गया। तो काफी स्मूथली आप यहां पर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, लगभग 120 पॉइंट का प्रॉफिट आप मिनिमम यहां पर अर्निंग कर लिए। अब जैसे देखिए ये सेल का कॉल बना, सेल का कॉल में वही सेम कंडीशन, नीचे का रेड होगा, ब्रिक्स आपका रेड रहेगा, ब्राउन का नीचे रहेगा, और इसमें भी वही सेम चीज आपको इस कैंडल का लो तोड़ने का बाद ही सेल करना है। ये चीज याद रखिएगा, जिस कैंडल पे कॉल बनता है अगर बाय होता है तो उसका हाई एंड सेल होता है तो उसका लो तोड़ने का बाद। तो सेकंड कैंडल से देखिए वाइड बन गया और ये इस कैंडल का लो को तो तोड़ा ही नहीं, इसका मतलब है यहां पर आपका ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ। तो वाइड कैंडल टोटली बता रहे जो आपका पोजिशन कंसोलिडेशन फेज में चला गया, आप इस सेल का कॉल में ट्रेड भी नहीं लिए। अल्टीमेट देखेंगे मार्केट धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है और अभी भी देखिए यहां पर एक बाइंग का कॉल बन गया।
अब एक फ्रेश बाय का कॉल है। इस कैंडल का भी हाई वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो इसका हाई था 483, मतलब मैं 480 सॉरी 482 है ये, मैं 483 में एंट्री ले सकता हूँ। तो सोचिए मैं 483 में एंट्री ले लिया हूँ, अब मैं यहाँ पर कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ। 483 में एंट्री लेने के बाद यहाँ पर जो कैंडल का वैल्यू दिख रहा है 475 में कैंडल का कलर व्हाइट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप कितना पॉइंट लॉस खा रहे हैं। ठीक है, ओनली 8 पॉइंट। तो अगर आप बैंक निफ्टी में 8 पॉइंट लॉस खा रहे हैं तो दिस इज ओके फॉर यू, आप 8 पॉइंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 पॉइंट में देखिए ये आपको रिवर्स कर देना, तो ये इसका मेन बेनिफिट पॉइंट है। मैं सुबह को ऑलरेडी 120 पॉइंट अर्निंग कर लिया हूं, यहां पर अगर 8 पॉइंट आपका लॉस होता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली देखिए मार्केट धीरे धीरे रिवर्स हो गया, तो व्हाइट कैंडल का सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप ये व्हाइट कैंडल भी यहां पर नहीं छोड़ते तो देखिए मार्केट यहां पर इतना नीचे आ गया था। अब ये कैंडल को आप चाहते हैं तो दोबारा री एंट्री भी ले सकते हैं, बट अल्टीमेट यहाँ पर सेल का कॉल बन गया और सेल का कॉल में यहाँ पर मार्केट देखिए नीचे का तरफ मूवमेंट थोड़ा बहुत कर दिया था। व्हाइट कैंडल के साथ अगर सेल का कॉल बनता है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि बाद में वो रेड हो सकता है। अल्टीमेट देखिए यहाँ पर मैं बाइंग का तरफ फोकस कर रहा हूँ, फिर से देखूंगा बाय का कॉल बन रहा है। जैसे यहाँ पर बाय का कॉल बन गया तो ये बाय का कॉल में भी आपका एंट्री कहां पर होगा, इस कैंडल का हाई का ऊपर। इस कैंडल का हाई वैल्यू है आपका 442, मतलब 443 का आसपास आपको ट्रेड करना है। 443 में ट्रेड लेके आपको एक बार 57 का हाई मारा था और उसका बाद आपको व्हाइट कैंडल इस कैंडल पे दिख गया। तो इस कैंडल का मार्केट का वैल्यू क्या है मैं देख लेता हूँ, 25, मतलब लगभग 16 से 17 पॉइंट का यहाँ पर भी आपको लॉस में निकलना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाइट कैंडल बन चुका है, ब्रिक्स आपका नीचे आ चुका है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है मार्केट दोबारा रिवर्स करता है, तो ऐसा सिचुएशन में आप री एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल पे। इस कैंडल पर वैल्यू है 451 का आसपास, नीचे का रिबन तो ग्रीन ही है, बाय का कॉल तो चल ही रहा है। आप एग्जिट कर लिए थे, दोबारा री एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ब्रिक्स वगैरह आपका फेवर में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर 450 का आसपास आप बाय कर लेते हैं तो यहाँ पर विद इन 2 to 3 कैंडल, अगर आप इस कैंडल पे देखेंगे 501, मतलब ऑलरेडी 25 पॉइंट का प्रॉफिट, सॉरी 75 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहाँ पर बना लिए। इस कैंडल पे 50 है तो 50 का हिसाब से मतलब 50 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहाँ पर बना रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अर्निंग कर लिए, जो आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर पाए ये यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अल्टीमेट फिर से मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पर देखिए व्हाइट कैंडल का साथ सिग्नल बन रहा है। तो व्हाइट कैंडल का साथ सिग्नल बनने का मतलब ये है उतना खास स्ट्रांग मूवमेंट नहीं है, अल्टीमेट मार्केट खत्म हो गया और यहाँ पर मार्केट इज क्लोज। तो देखिए ये फुल डे का अगर परफॉर्मेंस आपको देखा जाए तो सुबह को आप यहाँ पर एक अच्छा खासा बेनिफिट लाए हैं 120 पॉइंट का, उसके बाद आप 8 पॉइंट लॉस किए नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आप जो लॉस किए यहाँ पर वो रिकवर भी कर लिए तो नो प्रॉब्लम। मतलब अल्टीमेट अगर देखा जाए तो ये एक स्कैल्पिंग टेक्निक है, दिन में बहुत सारा कॉल बना है, लास्ट वाला कॉल तो चलिए यहाँ पर मार्केट खत्म हो गया, बट ये बाय का कॉल में भी आप अटेम्प्ट ले सकते थे, ये बाय का कॉल में भी अटेम्प्ट लेंगे और ये बाय का कॉल में भी अटेम्प्ट लेंगे। तो जहां पर प्रॉफिट हो रहा है देखिए लंबा हो रहा है, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर लॉस दे रहा है बट एक मिनिमम लॉस में निकल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉस को रोक देगा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, जो आपको कभी लॉस नहीं होगा, पर लॉस को रिड्यूस करना पॉसिबल है, ये हम लोग का हाथ में है। अगर मैं सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँ तो मैं मेरा लॉस को रिड्यूस कर सकता हूँ, प्रॉफिट को गेन कर सकता हूँ। तो कंसेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्लू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहा है, इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो और डिटेल में जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर बहुत सारा वीडियो मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक मिलेगा, या डायरेक्टली आप हम लोग को कॉन्टैक्ट करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।